हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, दर्शन शास्त्र में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जो हमारा एक पार्ट है वेद उपनिषद। वेद उपनिषद के अंतर्गत हमको तीन चीज़ें पढ़नी थी, ब्रह्म, आत्मा और रीत। ये तीन चीज़ें पढ़नी थी जिसमें से आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ ब्रह्म। ब्रह्म में हम ये देखेंगे कि ब्रह्म क्या है, दूसरा ये देखेंगे कि ब्रह्म के स्वरूप क्या है। मैंने इसके लिए तीन पार्ट बनाए हुए हैं जिसमें आज हम इस पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, सेकंड में ब्रह्म के स्तर को डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में जो है इसकी युक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ब्रह्म जो है तीन पार्ट में बनेगा। क्लियर? तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा अगर पसंद आता है तो, ठीक है, क्योंकि आप लोग का यही लाइक शेयर जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए पहली बात कि ब्रह्म क्या है, है ना, हम जो है ब्रह्म क्या है ये पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्म जो है वेदांत जो दार्शनिक कौन बद्रायण ये जो है इनके अनुसार ब्रह्म की परिभाषा क्या है बद्रायण के अनुसार, कि जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म यानी कि वह है ब्रह्म जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति व लय होते हैं। मतलब ब्रह्म वह है जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति व लय होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ब्रह्म से इन सारे चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है, इनकी स्थिति हो रही है, इनकी लय हो रही है, ठीक है। वहीं अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हम जो ये कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, ब्रह्म है ना, ब्रह्म जो पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत जब आगे दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, आत्मा। ये जो है आप जो है शंकर का जो अद्वैत वेदांत करके एक और टॉपिक इसी में जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों लगभग एक ही है, लगभग क्या दोनों एक ही है। अगर आपको जब शंकर का पूछे तो इसी चीज़ को शंकर के अनुसार जो है, मतलब उसमें अद्वैत वेदांत के अंतर्गत शंकर का नाम आता है, ठीक है, तो अद्वैत वेदांत के अनुसार लिख सकते हैं या शंकर के अनुसार करके उसको लिख सकते हैं अगर पूछा जाए, अगर अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ये बातें, तो आप उस नाम को स्पेशली लिखोगे। नहीं पूछेगा तो उसका नाम दिए बगैर इन्हीं चीज़ों को वहाँ पर लिखोगे। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इसके अब मतलब दोनों टॉपिक में एक ही चीज़ आएगी, ठीक। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म वह है जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति व लय होते हैं। शंकर ने इसकी परिभाषा को, ये बद्रायण की परिभाषा थी, अब शंकर ने इसी की परिभाषा को और व्याख्या करते हुए क्या कहा, कहा कि ब्रह्म अनुमान्य जन्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि जो है संसार के आधार पर ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान नहीं होता अपितु आत्म साक्षात्कार से होता है, विश्व ब्रह्म से पृथक नहीं है। कहने का मतलब क्या है, पहला लाइन उसने क्या बोला ब्रह्म ने, कि ब्रह्म अनुमान जन्य नहीं है। ब्रह्म हमारे लिए कोई अनुमान की चीज़ नहीं है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसका तात्पर्य किससे लिया जा रहा है, कि संसार के आधार पर ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान नहीं होता, संसार के आधार पर ब्रह्म की सत्ता का हमें ज्ञान नहीं होता अपितु किसके आधार पर होगा, आत्म साक्षात्कार से होता है। मतलब संसार के आधार पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, किसके आधार पर होगा, आत्म साक्षात्कार से होता है। और लिखता है कि विश्व जो है ब्रह्म से पृथक नहीं है। आगे ये सारी बात समझ आएगी कि कैसे विश्व और ब्रह्म एक से एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहला बद्रायण के अनुसार हमने क्या पढ़ा परिभाषा, कि ब्रह्म वह है जिससे जगत की, जगत मतलब विश्व संसार वही होता है, तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय होते हैं, उसकी बोली उसकी बात कही गई। उसके बाद जो है शंकर ने इसको आगे परिभाषित करते हुए कहा कि इसका तात्पर्य क्या है, कि ब्रह्म अनुमान जन्य नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य क्या है, कि संसार के आधार पर ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान नहीं होता अपितु इसके आत्म साक्षात्कार। आपने एक चीज़ देखा होगा, जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो हमारे में सिर्फ जानना क्या है नहीं बताते, बल्कि उसका जो है सत्य के जो है साक्षात्कार को भी जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब वो साक्षात्कार होता है तभी हम उसको मानते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आत्म साक्षात्कार से होता है और विश्व जग ब्रह्म से अलग या पृथक नहीं है। क्यों कहा गया, क्योंकि ये कहा गया कि जो है विश्व के अंदर ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर विश्व, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है, तो ये ब्रह्म है। एक चीज़ बता रही हूँ और,
कि आप लोगों को मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, ये बुक जो है लगभग 15 दिनों के बाद जो है रिलीज हो जाएगी, जिसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे एक एक लाइन इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे बुक के साथ आप लोगों को प्रॉफिट ये मिलने वाला है कि जो जो मैंने चीज़ें बुक में लिखी है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पूरे सीरीज, वीडियो की सीरीज जो है आप लोगों को धीरे धीरे मैं अवेलेबल करा दूंगी, जिससे आप लोग बुक्स में जो है पूरा डिटेल रख सकते हैं। आपको अलग से कुछ नोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा डिटेल उस बुक में रहेगा और समझने के लिए वीडियोस रहेंगे। तो आप दोनों के माध्यम से जो है दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था ब्रह्म। अभी देखो, ये बद्रायण के अनुसार हुआ। नेक्स्ट तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में जो है ब्रह्म को जगत का आधार, स्रोत तथा अंत कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म को क्या बोला गया? जगत का आधार, स्रोत तथा अंत कहा गया। उसका आधार भी है, स्रोत भी है सॉरी और ये इसका जन्म भी है, ये कहा गया। जो इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यह केवल ब्रह्म की परिभाषा है, इससे विश्व को कार्य तथा ब्रह्म को कारण नहीं माना जा सकता है, समझना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को जगत का आधार, स्रोत एवं अंत कहा जा रहा है। किसका? जगत का। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि आप जो है ब्रह्म को कार्य न माने और विश्व को कार्य न माने और ब्रह्म को क्या है इसका कारण न माने। ये समझना नहीं चाहिए हमको कि विश्व क्या है कार्य और ब्रह्म जो है कारण है। इसका अर्थ हमको ये लगाना चाहिए कि विश्व में जो है ब्रह्म जो है विश्व में ही अंतर्भूत है, मतलब विश्व के अंदर ही ब्रह्म है, ऐसा हमको लगना चाहिए। समझ आई बात? नेक्स्ट शंकर के अनुसार देखो, शंकर क्या बोलता है कि ब्रह्म क्या है? शंकर के अनुसार ये है कि विश्व की रचना सर्वत्र एवं सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा ही संभव होती है। विश्व की रचना किससे संभव है? सर्वत्र एवं सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा संभव होती है। तथा वह सत्ता कौन हो सकती है? ब्रह्म ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म ही ये सत्ता हो सकती है, दूसरा कोई नहीं। किसके अनुसार है? शंकर के अनुसार, कि अगर विश्व की अगर कोई रचना करेगा तो वो सर्वत्र एवं सर्वशक्तिमान व्यक्ति होगा, और ये कौन हो सकता है? केवल ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं, ये शंकर के अनुसार। नेक्स्ट आगे बोलता है कि ब्रह्म चेतन सत्ता है तथा रचना चेतना के बगैर संभव नहीं है। ब्रह्म कैसी है? ब्रह्म जो है चेतन सत्ता है, बोल रहे हैं क्या है? चेतन सत्ता। और चेतना किस में होती है? अगर जिसमें चेतना है वही क्या कर सकती है? रचना कर सकता है ना, जिसमें चेतना है उसी में ही जो है वही रचना कर सकता है ना। नेक्स्ट क्या है ये बोलता है, शंकर ने ब्रह्म को परिभाषित करते हुए आगे और कहा कि उसके अस्तित्व को भी परिभाषित करता है। ब्रह्म ने उसके परिभाषा को तो परिभाषित किया, साथ ही परिभाषा के साथ ही अभी आगे ब्रह्म के अस्तित्व को जो है परिभाषित करेगा। कैसे? देखो, ब्रह्म की परिभाषा और उसका अस्तित्व ब्रह्म के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। ब्रह्म का जो परिभाषा है और वो जिसका अस्तित्व की हम आगे बात करेंगे, उसी के बेस पे इसका क्या आएगा? स्वरूप आएगा। और इसके शंकर का जो मानना है, उसके कथन के अनुसार है कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। ये दो लक्षण हैं, यानी कि दो लक्षण के रूप में इसके क्या है? स्वरूप है। किसके? ब्रह्म के। तो आपको इतने में अगर मैं बोलूं सार कि ब्रह्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रह्म वह है जिसमें क्या होता है? जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय होती है। या आप ये बोल सकते हो कि ब्रह्म वह है जो विश्व में जगत ब्रह्म से पृथक नहीं है, मतलब विश्व के अंदर ही ब्रह्म समाया हुआ है। ब्रह्म वह जो विश्व का रचयिता है, एक तरह से भी यहाँ पर ये माना जा रहा है। आगे जाके ये थ्योरी थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि ब्रह्म को यहाँ पर निराकार भी बताया गया है, आगे डिस्कशन करेंगे। तो बात समझ में आई ब्रह्म क्या है? चलो अब आगे इसके स्वरूप को देखते हैं। इसके स्वरूप में ये है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, है ना। देखो, तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण में क्या है? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, विश्व का कारण रूप, ये सच्चिदानंद रूप। तो अभी इसका समझ में आएगा कि ये क्या है। पहले हम इसको देखते हैं, स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण जो है, यानी कि ये वाला स्वरूप लक्षण, ये जो है सत्य ज्ञान अनंत रूप होने के साथ साथ अनादि तथा असीम होता है। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है? सच्चिदानंद रूप। सच्चिदानंद इसका स्वरूप है। किसका? स्वरूप लक्षण का। रूप कैसा है? सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या होता है? सत, चित्त और
आनंद है ना, सचित और आनंद स्वरूप प्रभु, ठीक है, स्वरूप प्रभु, ये इसका क्या है मतलब अर्थ है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है, सचित और आनंद स्वरूप प्रभु होता है, समझ आई बात। तो सच्चिदानंद रूप है, ये कैसा होता है, ये जो है सत्य ज्ञान अनंत, सत्य ज्ञान और अनंत अनंत रूप होने के कारण, रूप होने के साथ साथ अनादि तथा असीम होता है ना। ये जो है विशुद्ध तथा निरपेक्ष है, निरपेक्ष है मतलब हम इसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते है ना, ये अपने में निरपेक्ष है, ब्रह्म है, जो निष्क्रिय होता है। ये क्या होता है, ये निष्क्रिय होता है और ये कैसा होता है, साक्षी मात्र होता है और आगे जाके ये क्या है, शाश्वत है, जो हमेशा चलता रहता है। कहने का मतलब क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद से इस भरा हुआ है। तो इस ये कैसा होगा, सत्य ज्ञान आनंद इन सब से भरा हुआ है, अनादि है, असीम है ना, विशुद्ध और निरपेक्ष ब्रह्म है, ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय अभी आगे आपको जब समझ में आएगा, जब हम इसमें सक्रिय को पढ़ेंगे तब आपको निष्क्रिय कैसे है ये समझ आएगा और ये शाश्वत क्यों है और वो शाश्वत क्यों नहीं, ये समझ गए। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं हम विश्व का कारण, सॉरी तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, विश्व का कारण रूप है। अब विश्व का कारण रूप ये क्यों है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्या होता है, विश्व का कर्ता पालक एवं सहारक है। ये जो है तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण विश्व का कर्ता पालक तथा सहारक होता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर, इसलिए ठीक है। और ये जो है कर्ता सहारक पालक सहारक होता है, ठीक। जब ब्रह्म में ये देखो ये सक्रिय है, अब मैंने बताया यहाँ पे कि तटस्थ लक्षण कैसा है, सक्रिय है। अब ये सक्रिय क्यों है, तब सक्रिय होता है जब ब्रह्म में उपाधि आती है। कहने का मतलब क्या है, ब्रह्म के साथ कोई उपाधि नहीं होती, लेकिन जब ब्रह्म में उपाधि आती है तो ये सक्रिय हो जाता है, क्या, तटस्थ लक्षण सक्रिय हो जाता है, ठीक है। उपाधि आती तो ये तटस्थ लक्षण सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय कब होता है, सक्रिय मतलब ये जो उपाधि होती है ब्रह्म में, ये जो उपाधि आती है, ये उपाधि कौन सी उपाधि होती है, माया की उपाधि, जानते हो ना मोह माया, तो ये उपाधि कौन सी होती है, मोह माया की उपाधि होती है। ये जो उपाधि आती है किसकी, माया की उपाधि आती है, तब ये सक्रिय हो जाती है। बात समझ में आ रही है। और क्या होता है, इसलिए जो है ब्रह्म का जो तटस्थ लक्षण है वो औपाधिक होता है। अब इसमें उपाधि आ रही है ना माया के कारण, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, औपाधिक कहा जा रहा है, शाश्वत नहीं है। अब औपाधिक है तो ये शाश्वत क्यों होगा भाई, ये शाश्वत तो नहीं हो सकता, ये निष्क्रिय है, इसके लिए कोई भी नहीं। सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप है, सदा अपने एक ही रूप में रहेगा, इसलिए निष्क्रिय है। लेकिन ये जो है इसमें माया, जब जब माया आएगी तब तब ये सक्रिय होगी, अपना रूप बदलेगा, इसलिए ये जो है ये कैसा है। नाम पढ़ने से ऐसा जरूर लग रहा होगा तटस्थ लक्षण मतलब ये निष्क्रिय, लेकिन नहीं, दोनों की कहानी अलग अलग है। आप अच्छे से समझिए, बिल्कुल इसको समझ आएगा और लिखना भी आसान होगा। अगर आप मेरे साथ दर्शन को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चल रहे हैं तो आप लोग को गारंटी दे रही हूँ दर्शन की उसमें किसी भी चीज़ को लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे। बस आपको शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा कि हम दर्शन लिख रहे हैं तो दर्शन के शब्दों का चुनाव करते हुए लिखे, ठीक है। अब देखो इसी का आगे डिटेल क्या है, इसका आगे का डिटेल क्या है, शाश्वत ब्रह्म। शाश्वत ब्रह्म कौन सा है, ये है शाश्वत ब्रह्म, स्वरूप लक्षण है, ठीक है, ये शाश्वत ब्रह्म कहलाता है। और साथ ही औपाधिक ब्रह्म, औपाधिक ब्रह्म मतलब ये हो गया तो कौन सा है, तटस्थ लक्षण है, औपाधिक है, ठीक है, तटस्थ लक्षण है, तो ये सगुण। अब बता दूं, स्वरूप लक्षण निर्गुण होता है और तटस्थ लक्षण सगुण होता है। सगुण कैसे, अब देखो, और आपको ये भी पता है जब हम सगुण निर्गुण पढ़ते हैं, सगुण मतलब क्या हुआ, जिसमें आकार होता है, जिसमें किसी मूर्ति पूजा हम करते हैं एक तरह से, और सगुण निर्गुण मतलब जिसमें कोई आकार नहीं है, है ना, उसका कोई आकार नहीं है। सगुण में हम ईश्वर की मतलब एक चेहरा देखते हैं कि ईश्वर के अंतर्गत की चेहरा के अंतर्गत हम ईश्वर का इमेज बनाते हैं अपने अंदर कि ईश्वर कैसा दिखता है, क्या दिखता है। निर्गुण में हम कोई इमेज नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैं आगे समझा रही हूँ ना, अगर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि ब्रह्म और ईश्वर में डिफरेंस क्या है, तब भी आप ये चीज लिख सकते हो, अभी जो मैं अभी समझा रही हूँ, क्योंकि ये जो है आगे ब्रह्म और ईश्वर की कहानी में बदल गया, क्यों, क्योंकि सगुण और निर्गुण हमने पढ़ा, इसलिए। अब देखो
सगुण है ना। आगे देखो ब्रह्म, ब्रह्म को क्या बोला गया है, ब्रह्म जो है निःश्रेयस या परमार्थ तत्व होता है। ब्रह्म कैसा है, निःश्रेयस और परमार्थ है। निःश्रेयस मतलब क्या होता है, मनुष्य जो है आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, या बोल सकते हो दुख या कष्टों से उसका जो है अभाव रहता है ना, अगर हम इसका अर्थ देखेंगे निःश्रेयस का। वही और क्या बोला, परमार्थ मतलब किसी, मतलब दूसरे के लिए कर रहा है बिना किसी बोल सकते हो लालच के, बिना किसी उसके। ब्रह्म है, वही है निःश्रेयस और परमार्थ है, दूसरे के लिए जो कर रहा है। तो ईश्वर विश्व का मूल कारण है, ईश्वर विश्व के लिए मूल कारण है। अगर ब्रह्म परमार्थ और निःश्रेय तो विश्व क्या है, मूल कारण है। वही ब्रह्म श्रेय है तो ईश्वर उपास्य है ना। ये बोलता है आगे, अगर ब्रह्म श्रेय है, श्रेय का मतलब क्या हो जाता है, श्रेय मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, यही यहाँ पर जो निःश्रेय है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ब्रह्म श्रेय है तो ईश्वर उपास्य होता है। अगर देखो ब्रह्म को अगर जीव की आत्मा कहा जाता है, ब्रह्म को जीव की आत्मा कहा जाता है, वह ईश्वर जीव की आत्मा से भिन्न होता है। ब्रह्म को क्या बोला जा रहा है, जीव की आत्मा। वही ईश्वर जीव की आत्मा से भिन्न होता है, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा, आत्मा का कोई आकार है नहीं है, हम सिर्फ सोचते कि एक आत्मा है लेकिन उसका कोई आकार तक डिजाइन वन नहीं, ब्रह्म का कोई आकार अभी तक हमने देखा नहीं यहाँ, यानी कि आत्मा और ब्रह्म को एक माना जा रहा है। और वही ईश्वर को हमने एक आकार दे रखा है कि ईश्वर शिव जी ऐसे दिखते हैं, विष्णु जी ऐसे दिखते हैं, इस तरह से हमने आकार दिया हुआ है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म जीव की आत्मा है, वह ईश्वर जीव की आत्मा से भिन्न होता है। ब्रह्म निराकार होता है, ईश्वर साकार होता है, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ब्रह्म निर्गुण व अनौपाधिक होता है, ब्रह्म निर्गुण है अनौपाधिक, इसमें कोई माया का छाप नहीं है, अनौपाधिक है क्योंकि इसमें माया जैसी कोई चीज आती नहीं, इसलिए सक्रिय नहीं होती, इसको कोई उपाधि नहीं मिली, इसलिए अनौपाधिक है। वह ईश्वर जो है सगुण व सोपाधिक है, ईश्वर सगुण है क्योंकि उसमें एक आकार है, सोपाधिक है क्योंकि उसको उपाधि दिया जा रहा है, माया के थ्रू उपाधि दिया जा रहा है, इसलिए वो सोपाधिक है, ठीक है। ब्रह्म का कारण तथा ईश्वर को कार्य कहा जाता है, ब्रह्म जो है उसको कारण और ईश्वर उसका क्या है, कार्य, मतलब ब्रह्म ईश्वर कार्य कर रहे किसके कारण, ब्रह्म के कारण, इस तरह से। ब्रह्म देखो, ब्रह्म असंसारी है, ईश्वर संसारी है। ब्रह्म सृष्टिकर्ता ना होकर सृष्टि ईश्वर सृष्टि करता है, ब्रह्म रचयिता नहीं है बोलता है यहाँ पे, बल्कि ईश्वर रचयिता है, क्यों, क्योंकि ईश्वर रचयिता है, हम क्योंकि ऐसे ही पढ़ते हैं ना, सृष्टि का रचना किसने किया, ईश्वर ने किया है ना, ऐसा हम सुनते पढ़ते आए हैं। ब्रह्म से विश्व की रचना नहीं होती, जबकि हम क्या सोच, ब्रह्म से विश्व की रचना नहीं होती जबकि ईश्वर से होती है, लेकिन ईश्वर स्वयं ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होने से ईश्वर ब्रह्म का कार्य हो जाता है। ईश्वर स्वयं ब्रह्म का क्या है, तटस्थ लक्षण है, बात सही है, क्योंकि सगुण रूप में है इसलिए ईश्वर क्या इसमें आएगा, ब्रह्म इसमें आ जाएगा, इसलिए वो जो है ब्रह्म का, ईश्वर जो है ब्रह्म का कार्य हो जाता है। यथार्थ में ब्रह्म व ईश्वर की ये जो भिन्नता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, न कि पारमार्थिक, मतलब चाहे कहने का मतलब व्यवहारिक रूप से हमने इसमें भी डिफरेंस बना लिया ब्रह्म और ईश्वर में, लेकिन हम जब परमार्थिक रूप से देखेंगे, परमार्थिक मतलब कैसे, अगर ईश्वर को भी कार्य करना है हमारे लिए इस विश्व के लिए, और ईश्वर और ब्रह्म को भी कार्य करना है पूरे विश्व के लिए, तो क्या दोनों उसने कोई मतलब खोजेंगे, नहीं, दोनों ने स्वार्थ भाव से परमार्थ के भाव से काम करेंगे ना, ये कहना चाह रहा है। इसलिए इसका जो अंतर है वो व्यवहारिक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये कहा गया है। बात समझ में आई, ठीक। तो ये हमारा स्वरूप कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।